लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें धौरहरा लोकसभा से सीतापुर के पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आनंद भदौरिया। जिला सीतापुर के मोहली विधानसभा के पाताबोज गांव के रहने वाले हैं आनंद भदौरिया। आनंद भदौरिया के राजनीतिक जीवन की शुरुआत पढ़ाई के दौरान ही समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन से जुड़कर शुरू हुई थी। आनंद भदौरिया को अखिलेश यादव का करीबी बताया जाता है। आनंद भदौरिया ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। 2014 में सपा ने भदौरिया को धौरहरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जिसमें उनको तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। वो 2016 में सीतापुर से विधान परिषद के सदस्य चुने गए। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के चलते इस सीट पर सपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। अब 2024 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया पर भरोसा जुटाते हुए धौरहरा लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। देखना होगा कि सपा का आनंद भदौरिया पर लगाया गया दांव कितना काम आता है आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों की रस्साकशी में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त रहना चाहती है कि वो जो भी उम्मीदवार उतारे वो जिताऊ उम्मीदवार हो, ताकि उसे आगे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यूपी तक के लिए अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट।